कल वाला लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं किया, वो निकला ही नहीं था, पता नहीं क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा था। सारी रिश्ती बड़ी है, आज मैं कोशिश करूंगा, अगर लेक्चर मिल गया तो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, आज वाला भी और कल वाला भी। वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? वीडियो स्लो चल रही है क्या? सही है, वॉइस इशू, आवाज भी क्लियर है? चलो तो भाई ओके यार, रिपोर्ट माशाल्लाह। सुने भाई, एविडेंस रिवॉल्यूशन के जल्दी में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। एविडेंस मोस्टली जो डार्विन ने यूज किया वो था जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट हैं, अमेरिका, साउथ, नॉर्थ और यूरोप और एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। अब इनके अंदर एनवायरनमेंट एक जैसा है नहीं ना? चलो कॉन्टिनेंट को छोड़ दें, पाकिस्तान पर आ जाएं, यहाँ पे पाकिस्तान के सिंध का, केपीके का, बलूचिस्तान का, पंजाब का एनवायरनमेंट क्लाइमेट सेम है, मसला है, चेंज है, पानी एक जितना है, ह्यूमिडिटी एक जितनी है, रेन एक जितना होता है नहीं ना, धूप वगैरह, टेम्परेचर, सारे फैक्टर अलग अलग है, सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, एक जितने नहीं है। तो जो पहाड़ी इलाके में एनिमल ग्रो करेगा वो पानी में कैसे करेगा? जो पानी में ग्रो करता है प्लांट, उसको ऐसी जगह ग्रो करवाएं जहां पे पानी है ही नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि क्या मैं ये कह सकता हूं जो डार्विन ने कहा था, वही बात रिपीट कर रहा हूं डार्विन वाली, कि दुनिया एक थी, ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे थे, फिर वो दुनिया के टुकड़े हो गए। अगर ये बात आप छोड़ दें, ये कह लें क्या इस कॉन्टिनेंट से ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स उड़ के एशिया में जा सकते हैं, गर्मी से सर्दी की ओर जा सकते हैं, उड़ने की है ना, प्लांट भी जा सकते हैं, एनिमल तो बड़ी बात है, नहीं जा सकते प्लांट, हम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे ना, अमेरिका को देंगे, गंदम बेचेंगे, तो पाकिस्तान में ग्रो करने वाली गंदम अमेरिका में भी ग्रो करेगी। अब वहां का एनवायरमेंट हमारे जैसा नहीं है तो कुछ मसले आएंगे ग्रो करने में, अगर वो वहां पे अडॉप्ट कर लिया उसने, तो जो हमारी गंदम है और जो हमने भेजी थी 100 साल के बाद एक जैसी नहीं रहेगी। क्यों? एनवायरमेंट चेंज है तो म्यूटेशन का रेट, डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो डिफरेंट तरह के वैरायटीज बन जाएंगी। यह स्पेसिफिक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पर प्रेजेंट हैं। अगर एनवायरनमेंट क्लोज है तो उनके बीच सिमिलरिटी होगी, अगर एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है तो ऑर्गेनिज्म बहुत डिफरेंट होते जाएंगे, मतलब इवॉल्व करेंगे। और आप देखें, एक है स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉन स्पेसिफिक। भाई इंसेक्ट को देखें, कौन सी जगह छोड़ी है इंसेक्ट ने? हर जगह अवेलेबल है, मट्टी में भी इंसेक्ट हैं, एनिमल्स में भी इंसेक्ट हैं, प्लांट्स पर भी इंसेक्ट हैं, पानी में भी इंसेक्ट हैं, डिजर्ट में भी इंसेक्ट हैं, पानी कम है वहां पे भी इंसेक्ट हैं, साल्ट ज्यादा है, हर जगह इंसेक्ट रह रहे हैं। तो ये हर जगह गए हैं तो वहां पे रह रहे हैं ना, जिस जगह गए हैं, अगर इंसेक्ट गया है पानी में तो वहां पे उसने गिल्स बनाई है सांस लेने के लिए, अगर इंसेक्ट जाएगा डिजर्ट एरिया में, मुझे बताएं पानी को कंजर्व करने का मैकेनिज्म उसके पास अच्छा होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो रह नहीं पाएगा, पानी लॉस हो जाएगा। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिन्होंने उड़ना सीख लिया, प्रीडेटर से बचने के लिए उड़ गए, अब कैसे मारेंगे, कैसे खाएंगे खाने वाले। तो हर जगह पे जाना, जाने से नए नए कैरेक्टर आते हैं, एवोल्यूशन होती है कुल मिला के। तो जो जितना माइग्रेट करेगा वो उतना इवॉल्व होगा, उससे बहुत टाइप के स्पीशी बनेंगे,
डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर आएंगे, जो माइग्रेट नहीं करेगा, एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, एक ही टाइप का एनवायरनमेंट फेस करेगा। तो करेगा तो वो भी इवॉल्व, मगर स्लोएस्ट है ना। क्या अगर मैं कहूं ना स्पेसिफिक किवी का एग्जांपल ले लें न्यूजीलैंड में, और एलिफेंट का एग्जांपल ले लें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रैबिट के एग्जांपल्स ले लें, रैबिट पूरी दुनिया में हर जगह पे नहीं है, ठीक है। केंगरू का एग्जांपल ले लें आप, पाउच मैमल का एग्जांपल ले लें, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक क्यों होती है, स्पेसिफिक क्यों होती है, के लिए बैरियर्स होते हैं जो माइग्रेट करने नहीं देते। जैसे कि अगर ये जमीन का टुकड़ा है, आइलैंड है, आइलैंड हर जगह चारों तरफ पानी है। अब यहाँ पे चिड़ी रह रहा है 1 लाख 2 लाख 1 करोड़, कोई भी एक इससे इधर नहीं आ सकता, दूसरे कॉन्टिनेंट पर, दूसरी जगह पर, दूसरे आइलैंड पर, दूसरे कंट्री, दूसरे एनवायरनमेंट में। बैरियर कौन है, बीच में पानी, उड़ नहीं सकता ये। और ऐसे ही एनिमल, अब यहाँ पे बैरियर कौन बना, पानी बैरियर बना, पानी ने माइग्रेट करना नहीं दिया। बर्ड होता तो कर लेता, उड़ जाता, मतलब पानी सबके लिए भी बैरियर नहीं है, कुछ के लिए, प्लांट्स के लिए और ना उड़ने वाले एनिमल्स के लिए। चलो ये पानी नहीं है, अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है इस कॉन्टिनेंट से तक, इस आइलैंड से तक, ये कोई डेजर्ट है हजारों किलोमीटर का। अब कोई एनिमल अगर यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसको मंथ लगेंगे, मंथ लगेंगे, और मंथ बिना खाए पिए, और ये डेजर्ट का सर्वाइवल वाला है नहीं, अच्छे एनवायरमेंट में रहने वाला, ये भी अच्छा एनवायरमेंट है, मगर इस तक पहुंचे कैसे। तो डेजर्ट बीच में बैरियर है, ये कौन सा बैरियर बन गया, इकोलॉजिकल बैरियर बन गया है ना। इकोलॉजिकल बैरियर क्यों कह रहा हूँ, डेजर्ट बैरियर कहूँ ना, डेजर्ट सॉइल है, सॉइल एनवायरमेंट का एक फैक्टर है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, ये वो, खाना वाना कम, ये हर चीज। चलो डेजर्ट भी नहीं है, ये क्या है, ये एक जंगल है, कोई फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट है, अब इस फॉरेस्ट में लायन रह रहे हैं, प्रीडेटर रह रहे हैं, या ये रैबिट है इधर से इधर जाना चाहता है, जा सकेगा, क्यों नहीं जा सकेगा। प्रीडेटर इतने हैं बीच में कि वो माइग्रेट करने से क्या कह रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, जो माइग्रेट कर रहा है वो लायन के पेट में जा रहा है, बचेगा आगे जाएगा तो इवॉल्व करेगा ना अगले एनवायरनमेंट में। तो कुल मिला के माइग्रेशन नहीं हो रही, बैरियर्स हैं, इकोलॉजिकल बैरियर हैं, बायोलॉजिकल बैरियर प्रीडेटर हैं, या कोई पानी बैरियर है, या कोई डेजर्ट है, या कोई पहाड़ी है, या कोई सिटी है, इस सिटी से उस सिटी ऑर्गेनिज्म नहीं जा पा रहा, ठीक है, इसी वजह से ये एक ही जगह पर रह रहे हैं। और ये स्पेसिफिक पैटर्न, इनके रेट का, एवोल्यूशन का रेट स्लो होगा, जो नॉन स्पेसिफिक होंगे हर जगह होंगे, हर जगह जाएंगे, जो बैरियर से ना रुकें, जो बैरियर के होने के बावजूद भी माइग्रेट कर जाएं, वो ज्यादा इवॉल्व करेंगे। ये जो हमने पढ़ा, ये कल ही तो पढ़ा था डार्विन से, बस आज इस बात को रिपीट किया है और क्या। चलो भाई, स्पेसिफिक पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल याद होने चाहिए, 2024 में ये पूछेगा आपसे, पक्का ये क्वेश्चन आएगा, लिख लें भाई। नॉन स्पेसिफिक पैटर्न हो गया पैलेंटोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलियोबॉटनी, पैलियोजूलॉजी, ओल्ड एनिमल की, ओल्ड प्लांट्स की स्टडी। अब एक एनिमल मिला है, फॉसिल्स मिला है, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, इसके अंदर फीचर जो हैं, आधे बर्ड्स वाले हैं, आधे रेप्टाइल वाले हैं। इसके अंदर टीथ हैं,
मगर जहाज कन्वर्टेड इनटू बीक भी है। बीक किसका फीचर है? बीक इज इवॉल्व फ्रॉम जहाज। पीच हटा लें, जहाज को ग्रो करवा लें, ये जहाज कन्वर्टेड इनटू बीक बर्ड्स का फीचर है। मगर इसके पास बीक तो है, मगर टुथलेस बीक नहीं है। बर्ड्स की टुथलेस होती है, ये टुथ वाली है। तो टीथ का होना रिप्टाइल का फीचर है, बीक का होना। और फिर एक और बात, इसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है, टेल के अंदर भी वर्टिब्री है। बर्ड्स के अंदर टेल के अंदर क्या है? फीदर्स हैं, फीदर्स हैं टेल के अंदर, फीदर ही टेल है। इसके अंदर फीदर भी है मगर बोन भी है, बड़ा टेल है। डॉग की तरह, केट की तरह, काउ बफेलो गोट की तरह टेल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम कंटिन्यूअस है। ये बता रहा है कि रिप्टाइल का फीचर है। लिजर्ड में जैसे देखें, क्रोकोडाइल में देखें, बड़ा टेल है, वर्टिब्री है उसमें, परिंदों में नहीं है ये। और उसके बाद जो और भी, अगर इसके क्लॉज देखें, आगे वाले लिम्स देखें, तो लिम्स के अंदर उंगलियां बर्ड्स के अंदर नहीं है। ये यहां तक लिम्स खत्म। बर्ड्स के अंदर उंगलियां क्या हो गई? वेस्टिज हो गई, रिड्यूस हो गई। मगर इसके अंदर उंगलियां भी हैं और ये अपर लिम भी है, और लिम पर फीदर लगे हुए हैं, लिम पर फीदर लगे हुए हैं, ये उड़ने का काम कर रही हैं। रिप्टाइल में, रिप्टाइल में लिम्स का क्या काम है? ब्रीथिंग करना, आगे वाली भी पीछे वाली भी। तो ये सारे बोन लाइट छेदने नहीं है, एयर सेक हैं, एयर सेक हैं। कुल मिला के ये ऐसा एनिमल लग रहा है, इसकी सिमिलरिटी बर्ड से भी है, और ये इंडिकेटर है रिप्टाइल से बर्ड इवॉल्व हुए हैं का मिलना बर्ड्स में। क्लास होते हैं, क्लास के ऊपर उंगलियां नहीं होती। जो पैरों की हिंड लिम्स में होती हैं, जो फोर लिम्स हैं उड़ने के लिए, फीदर्स, इनकी रिड्यूस हैं। फोर लिम्स की रिड्यूस हैं। क्या करेगा बर्ड उड़ने के अलावा? इनसे कुछ लिखेगा, घूमेगा? यहाँ पे उंगलियां नहीं है, उंगलियां खत्म बर्ड के ऊपर। स्टर्नम जो बर्ड का होता है कैसा होता है पता है? ये स्टर्नम है ना हमारा, कैसा है? रॉड टाइप, सीधा। और बर्ड्स का कैसा होता है? ऐसे, ऐसा स्टर्नम है, बोट की तरह। तो कहते हैं नील टाइप। क्यों बताए? क्यों? शेप को स्पिंडल बनाने के लिए। बर्ड्स की जो मुंडी है, हेड, वो भी पतला, टेल भी पतला, और ये जो ट्रंक है ये मोटा। इससे फायदा क्या होगा? जब बर्ड उड़ेगा, ये वाली पतली क्यों होती है बर्ड की, जो हेड है, नेक है, ताकि जैसे बोट चलती है, अगर मैं ऐसी बोट बनाऊं, नया इंजीनियर बनूं ऐसी, ये पानी में चल पड़ेगी, सारा पानी जो है इसको पीछे धक्का देगा। बोट कैसी बनानी चाहिए? ऐसी, फेस ऐसा होना चाहिए ताकि पानी रिजिस्ट ना करे। तो बर्ड भी है, आगे से भी ऐसे हैं, पीछे से भी ऐसे हैं, स्पिंडल शेप, आगे पीछे पतली, बीच से मोटी बॉडी। बॉडी को मोर स्पिंडल बनाने के लिए यहाँ पे स्टर्नम भी यूं नहीं है, सीधा यूं नहीं है, ब्लेड की तरह स्टर्नम यूं है, ताकि एयर रिजिस्ट कम करे। समझ आ रही है भाई? समझ लिया आपने? कुल मिला के ये क्या नहीं है, ये ना बर्ड है। अच्छा, एक और बात, पैलेंटोलॉजी से क्रोनोलॉजी का पता चलता है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं?
कौन किससे पैदा हुआ। जैसे आप कहते हैं अल्जी से, ब्रायोफाइट ब्रायो से, टेरिडो टेरिडो से, जमनो जमनो से, और दूसरा आप कहते हैं फिशेज से, एम्फीबियन एम्फीबियन से, रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स से, बर्ड्स भी और मैमल्स भी। ऐसा नहीं है रेप्टाइल्स से बर्ड, बर्ड्स से मैमल, ऐसा नहीं है। ये जो एक और बात जो आपके बुक में एग्जांपल लिखी गई है वो हॉर्स का एग्जांपल है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी को मैं फाइलेटिक लाइनेज कहूँ, फाइलेटिक लाइनेज बाप दादा का पता चलना, कौन किससे पैदा हुआ, कौन किससे पैदा हुआ, इसी कह लूँ, इसमें कह लूँ फाइलेटिक लाइनेज कह लूँ। चलो एक क्रोनोलॉजी है हॉर्स की, के अगर डिगिंग करेंगे फॉसिल का कैसे पता चलेगा कि फॉसिल है या नहीं, डिगिंग करेंगे जमीन के अंदर ये पड़े होंगे, इनके पार्ट्स रिमेन पड़े होंगे, जो बचने जैसे हैं हड्डियां वगैरह ये वो पड़े होंगे, उनको हम देखेंगे कि भाई ये पड़ा है फॉसिल आपका, उठा लेंगे। कौन सा फॉसिल ऊपर होगा, नया या पुराना? वजह, पुराना पहले दब चुका है, नया बाद में दबा है, तो ऊपर ऊपर डिपोजिशन होती जा रही है। डिगिंग की गई तो पता चला पांच उंगलियों वाला पैर के अंदर पांच उंगलियां, चार उंगलियां थी किसके अंदर, हॉर्स के अंदर, नीचे नीचे जो दबे हुए हॉर्स थे। उसके बाद चार उंगलियों वाले, फिर तीन वाले, फिर दो वाले, आजकल जो हॉर्स है वो एक उंगली है बीच वाली, मगर बड़ी मोटी है, बड़ी मोटी उंगली है ये, एक ही मोटी बन गई है जो पैर कहते हैं हॉर्स का, एक ही उंगली है ये, बाकी सब जो थी वो खत्म। अब हॉर्स पांच पे सही भाग सकेगा या एक पर? पांच होती तो पतली होती, जैसे स्पीड लगाता अपने ही वजन से उंगलियां है भगवान टूट जाती ना। आप तो इन पर चल के दिखाएं, यूं ऐसे रख के जोर दे के दिखाएं, है ना, चलेंगे भी तो ये रखेंगे ना। पैर क्यों बड़ा है इतना आपका, इतना बड़ा क्यों है? वेट को बैलेंस करने के लिए ऐसे कर लें, पैर ऐसा बना लें, क्यों नहीं बना पाएंगे? क्यों ऐसे खड़े होने से मसला हो जाता है? हाँ एक पैर पे तो कितना, इतना बड़ा है फिर भी एक पैर पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, दो चाहिए। और अगर आप घोड़े को पांच उंगलियों वाला पैर कह रहे होना चाहिए, ये तो बड़ी तेजी से भागेगा, बड़े जोर से भागेगा, जमीन को तोड़ के भागता है ये, एक ही होनी चाहिए पर सबसे मोटी होनी चाहिए, समझ आ रही है, पक्की होनी चाहिए। इसीलिए उंगली के नीचे हूब्स भी हैं, हूब्स हॉर्न, ये वाले हूब्स मतलब पैरों के नीचे जो केराटिनाइज कवर होता है, पर हो ये। तो भाई हॉर्स की क्रोनोलॉजी देखी तो पता चला कि एवोल्यूशन इज देयर हुई है, और एवोल्यूशन में पुराने बाप दादा जो घोड़े के हैं वो पांच उंगलियों वाले हैं, आज का नया जो डिसेंडेंट घोड़ा है वो कितनी उंगलियों का है, एक वाला है। तो ये पैलेंटोलॉजी से हमें पता चला। पैलेंटोलॉजी और जियोलॉजिकल बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से अच्छा एविडेंस कौन सा है, ताकतवर? पैलेंटोलॉजी क्यों? आंखों से देखा हमने, चार उंगलियों वाला भी देखा, तीन वाला भी देखा। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डार्विन ने क्या कहा, ऐसा हुआ होगा, जमीन टूटी होगी। आप थे ही नहीं, बेस्ड ऑन एविडेंस बातें कर रहे हैं, है ना, और वो विजुअल रिकॉर्ड है कि भाई आर्की बैक्टीरिया का जो फॉसिल है वो सबसे पुराना है, और बैक्टीरिया का उसके बाद, साइनो बैक्टीरिया का उसके बाद, विजुअल रिकॉर्ड है ना। ये वायरस के फॉसिल कैसे हैं बताएं, होते ही नहीं ना, लिविंग है कॉलोनी बनाएगा, कहीं पे रहेगा मट्टी में जहां पे दब जाए, होता पर आए घर में और उसके अंदर फॉसिल कहां पे मिलेंगे इसके, वायरस के फॉसिल नहीं मिलते। चलो भाई एविडेंस नंबर तीसरा फ्रॉम
कंपरेटिव एनाटॉमी कंपेयर करें दो ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी को, तो आपको मिलेगा कंपेयर करने के बाद कुछ ऑर्गन होमोलॉगस, कुछ ऑर्गन एनालॉगस। होमोलॉगस ऑर्गन वो कहलाते हैं जिनके स्ट्रक्चर इंटरनल एनाटॉमी सेम हो, काम अलग हो। जैसे जैसे टेट्रापोड्स, जो टेट्रापोड्स हैं मतलब चार लिम्स वाले, मतलब रिप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स। एम्फीबियन के बाद एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स टेट्रापोड है नहीं है, टेट्रापोड का मतलब है चार लिम्स का होना। टेट्रापीडल का मतलब है चार पैरों पे घूमना, हैं बाइपीडल, बाइपीडल मतलब मगर टेट्रापोड है ना, दो लिम कहां पे यूज कर रहे हैं, आगे वाले उड़ने में, बाकी दो पैरों पे घूमते हैं, है ना। ये दो भी यूज करते हैं, वो दो भी यूज करते हैं, सही कह रहा हूं। चलो भाई, टेट्रापोड्स की अगर आप लिम्स देखें, सबके अंदर हैं, मगर फ्रॉग की का जो लोकोमोशन है रिप्टाइल से अलग है। खैर घूमना ही है, ये जंप मारता है फ्रॉग, है ना, और रिप्टाइल क्रॉलिंग करते हैं। रीजन मैंने एनिमल किंगडम में बताया था, याद है क्या था? द रीजन इज दैट फ्रॉग की जो टांगे हैं लूजली अटैच हैं और बॉडी से दूर हैं, इसीलिए वो टांगों पे खड़ा अपनी बॉडी का पूरा वजन नहीं उठा सकता ना, दूर है ना, वजन यहाँ पे है, टांगे उधर हैं, कैसे वजन को। अगर आप ही पुश अप चैन अप करके देखें, ऐसे यूं इधर हाथ करके उठ ही नहीं पाएंगे, चेस्ट जाके लगेगी धरती से, और जब आप हाथ करीब लाएंगे तो फोर्स लगेगा। पैर बॉडी के एग्जैक्टली एक्सिस में हैं, नीचे हैं, तभी हम पैरों पे खड़े हुए हैं सही से, और फ्रॉग के पैर इधर। अब बॉडी का वजन कहाँ उठा सके, तो यूं फोर्स लगा के जंप मारता है, अगेन जाके ये चीज लग जाती है फ्रॉग की धरती में, फिर जंप मारता है, तो जंपिंग लोकोमोशन है। रिप्टाइल की थोड़ी टांगे करीब है, इसीलिए टांगों पे घूमता तो है, मगर ये बॉडी लगती जाती है धरती से, क्रीपिंग, तभी तो कहते हैं ये बेली रीजन लगता जाता है। और बर्ड्स वही लिम्स हैं मगर उड़ रहे हैं उनके साथ, और हम वही लिम्स हैं उनके साथ, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत चीज लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना। तो हम इन लिम्स को लोकोमोशन के अलावा किसी और काम में यूज कर रहे हैं। दो पैरों पे आ गए हम, दो पैरों पे घूम रहे हैं, चार पैर ये नहीं रहे हमारे, ये दो हाथ हो गए। मतलब ये एम्फीबियन से ह्यूमन तक चेंज आई है, लिम्स वही है, हड्डियां लिम्स के अंदर वही है, मगर फंक्शन चेंज हो गया है। अभी एग्जैक्ट होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जांपल बताता हूं मैं भाई। बेट सुना है, बेट, चलो बेट को छोड़ दें एक मिनट, नहीं तो बर्ड्स नहीं रखने पड़ेंगे, क्लेश आ जाएगा। बर्ड्स और केट एंड ह्यूमन एंड फिशेज, हाँ भाई, फिशेज के फिन्स, मछली के जो फिन्स है ना वो एग्जैक्टली जैसे आपका ये अड्डी है, इमरस, रेडियस अल्ना, और ये
ये वाले कार्पल्स मेटाकार्पल्स और ये एग्जैक्टली सिमिलर टाइप की अरेंजमेंट है हड्डियों की, इनके अंदर भी, इनके अंदर भी, इनके अंदर भी, उनके अंदर भी। तो स्ट्रक्चर एनाटॉमी तो सेम है। अब देखें बर्ड्स अपने ह्यूमरस रेडियस अल्ना से हमारे जैसे काम करते हैं, इन पे क्या लगा हुआ है, फीडर्स लगे हुए हैं, तो इन्होंने अपने फोरलिम को क्या किया, फ्लाई करने के यूज, और इन्होंने अपनी फिंस को स्विम करने में यूज किया, और इन्होंने अपने फोरलिम्स को मेनी पर्पस में यूज किया एक्सेप्ट लोकोमोशन, और इन्होंने अपने फोरलिम्स को काटने में, जंप मारने में, है ना, किसी को खराश देने में इसमें यूज किया। तो ऑर्गेनिज्म वही है, इनकी लिम्स के ऊपर अडाप्टेशन कौन सी हुई, नया कैरेक्टर कौन सा आया, फीडर्स, ये अडाप्टेशन है, नए एनवायरनमेंट में गया या वहीं पर चेंज आई। फॉर एग्जांपल मैं अपने हिस्से से कहता हूँ, कोई खाने लगा रिप्टाइल को, रिप्टाइल ने पंख बना लिए, फीडर्स बना लिए, उड़ना सीख लिया। अगर ये ना उड़ता एट दैट टाइम, इसमें फीडर्स ना आते और प्रीडेटर आ जाते, तो प्रीडेटर और ये साथ साथ फिर क्या होता, प्रीडेटर खा जाते, तो इनका कोई भी नस्ल नहीं होता आज। इनकी नस्ल है वो इसलिए है, इन्होंने अपने आप को एनवायरमेंट में बचा लिया, अडाप्ट किया प्रीडेटर से, क्या लाके चेंज, कौन सी चेंज जो एनवायरमेंट को पसंद आई, कौन सी पसंद आई, पंखा लग जाना। तो भाई मुझे बताएं, एक होती है एवोल्यूशन डाइवर्जेंट, दूसरी एवोल्यूशन होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट ऐसी एवोल्यूशन को कहते हैं जो दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट से आके एक पॉइंट पर ठहरे, मतलब एक हो जाएं, सिमिलर हो जाएं, नॉट 100% उस एक कैरेक्टर पर, दो कैरेक्टर पर, पहले अलग अलग हैं। सपोज करें ये ए है बर्ड, रिप्टाइल है, और ये बी जो है ये रिप्टाइल है, और ये बी जो है ये इंसेक्ट है मगर उड़ने वाला नहीं। अब इन दोनों पर वक्त आ गया, इन दोनों ने क्या बनाई, विंग्स बनाई। बताएं जो रिप्टाइल पर विंग्स लगेंगी, मतलब रिप्टाइल कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स होगा, हड्डियों वाले फीडर्स होंगे, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, है ना, और जो इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट है उसमें विंग्स बनेंगी, हड्डियां थोड़ी आ जाएंगी, लेकिन जंप मार के 200 डिग्री 360 का ये इंसेक्ट वर्टिब्रेट हो जाएगा, बर्ड को कहेगा मैं आपके जैसी विंग्स बनाऊंगा, नहीं बनेगी ना, वो केमिकल की बनेगी, प्रोटीन्स की बनेगी। तो इनके अंदर भी विंग्स आ गई, इनके अंदर भी विंग्स आ गई, तो इन्होंने दोनों ने क्या काम किया, फ्लाई करने के लिए क्या बनाया, विंग्स। अब विंग्स केमिकली, एनाटॉमिकली, स्ट्रक्चरली एक जैसी हैं, फंक्शन तो सेम है, उड़ना, इंसेक्ट को भी उड़ा रही हैं, बर्ड्स को भी उड़ा रही हैं, मगर बर्ड्स वाली विंग्स हड्डियों की बनी हुई है, और वो इसके अंदर हड्डियां ही नहीं है, इधर भी नहीं है, केमिकल्स हैं। तो एनाटॉमी बिल्कुल सेम नहीं है, हड्डियां दोनों में नहीं है, तो ये दो एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत डिफरेंट हैं, मगर इन्होंने जो अडॉप्ट किया है कैरेक्टर वो एक जैसा है, वो भी काम करने में एक जैसा है,
रिंग्स काम करने में एक जैसा है स्ट्रक्चरली। अब मुझे बताएं रिंग्स में हड्डी होना और इंसेक्ट की रिंग्स में हड्डियां ना होना, ये एनाटॉमिकली डिफरेंट है। ये बता रहे हैं इनका आपस में कोई लेना देना एक दूसरे से पैदा भाव भाई बहन बाप दादा नहीं है, इन सिस्टर्स नहीं है एक दूसरे के, है ना। क्यों सिमिलरिटी कोई नहीं है एनाटॉमी में, कोई जरे बराबर सिमिलरिटी नहीं है। मगर जब विंग्स बन गई, बनने के बाद काम एक ही, तो क्या मैं कहूं हैं अलग बट इन्होंने एक ही एनवायरनमेंट में इवॉल्व किया है, एक ही एनवायरनमेंट में इवॉल्व किया है, तो एक जैसा कैरेक्टर लाया है उन्होंने उड़ने का। तो ये एक दूसरे के करीब थे नहीं, थोड़े हुए हैं। वैसा नहीं है कल को ये एक स्पेशी बन जाएगी, स्पेशी तो नहीं बनेगी ना, एक इंसेक्ट उड़ने वाले और बर्ड्स उड़ने वाले एक स्पेशी होगी नहीं ना, कभी नहीं होगी। मगर दोनों के अंदर चेंज तो आया है, वो इंसेक्ट अपने इंसेक्ट से नया बना है, वो बर्ड अपने रेप्टाइल से नया बना है, नई चीज तो आ गई ना। अपने अपने एंसेस्टर से नए बने, मगर जो नए बने वो आपस में क्लोज हुए। तो ऐसी इवोल्यूशन तेज है, ऐसी को कहेंगे क्या, या एक दो तीन चार पांच एनाटॉमिकली एक जैसे हैं, मगर इसने काम अलग किया, इसने काम अलग किया, इसने काम अलग किया, इसने लिम्स के साथ अलग, इसने लिम्स के साथ अलग अलग काम किया। एनाटॉमी एक थी, मतलब इनका आपस में लेना देना है। और आपको क्रोनोलॉजी में पता चला कि ये मेमल ये फिशेज और ये बर्ड चार डिफरेंट क्लासेस से वाबस्ता हैं। फैमिली भी नहीं, जीनस भी नहीं, किसी तो दूर की बात कोई, मगर फिर भी इनका आपस में लेना देना है, सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी है तो कहेंगे फिशेज से बने हैं एम्फीबियन, और एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड, फिर बर्ड से ये एनिमल बने हैं। तो भाई इनके अंदर सिमिलरिटी है, हड्डियां एक जैसी हैं, मगर हड्डियों पर हड्डियां कहाँ पे एक जैसी हैं, आर्म में फोर लिम्स में, हिंड लिम्स में भी एक जैसी हैं, मगर हम फोर लिम्स की बात कर रहे हैं। फोर लिम ने काम अलग किया है, ये जो अलग काम किया है, इसने तैरना सीखा हिंड लिम्स को यूज करके, सॉरी फोर लिम्स को, इसने फोर लिम्स के साथ चोरी डाका, ये वो लिखना पढ़ना ये वो किया, और खाना वाना खाया, और इसने जंप वगैरह भागना ऊपर चढ़ना क्लाइंबिंग करना ये वो करना, और इसने फ्लाई करना सीखा। क्या ये एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे थे, ये बता रहे हैं ये अलग अलग इन्वायरमेंट में हैं। इसने अपने डायरेक्शन में इवॉल्व किया है, तो उसने अपने डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे से सिमिलर होते जा रहे हैं, या सिमिलर थे अब डिफरेंट होते जा रहे हैं। सिमिलरिटी थी, अब जितनी इन्होंने माइग्रेट की हुई है, नए एनवायरनमेंट में गए हैं, नया नया कैरेक्टर अडॉप्ट करने को नजर आ रहा है। तो ये एक पॉइंट से मेनी डायरेक्शन में निकले हैं, मतलब इनमें से एक में से बहुत बहुत सारी स्पीशी बनेगी और बनी है, ये इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसी इवोल्यूशन को कहते हैं डाइवर्ज, फैल जाना, मतलब बहुत वैरायटीज बनाना, मतलब नए कैरेक्टर बहुत सारे अडॉप्ट करना, मतलब डिसिमिलरिटी लाना। अब मुझे बताएं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तेज या कन्वर्जेंट तेज, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इतनी तेज नहीं होती, डाइवर्जेंट होती है एक। अच्छा डार्विन वाली इवोल्यूशन डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, बीच थी मगर बीच भी नेचर चेंज हो गई, अलग अलग होते गए। फिंचेस के बाप दादा एक ही थे,
डिगिंग करके डार्विन ने देखा, समझ आ रही है ना, होमोलॉगस ऑर्गन है ना, गिल्ट पाउच सुना है। जब बच्चा पैदा होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गिल्ट पाउच। क्या कहते हैं सेल्स को? गिल्ट पाउच। अब ये गिल्ट पाउच फिशेज के अंदर, एम्फीबियन के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर, सब के अंदर है। सब है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जन सेल है उनको गिल पाउच कह रहे हैं, क्योंकि ये सेल फिशेज में बनाते हैं, मगर इनके अंदर गिल पाउच ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया, इन्हें बनाया यूस्टेचियन ट्यूब। व्हाट इज यूस्टेचियन ट्यूब? ट्यूब दैट कनेक्ट आपके कान को थ्रोट के साथ, मिडिल ईयर को गले के साथ, फैरिंक्स के साथ जोड़ता है, ताकि जो तेज आवाज आ जाए वो पर्दे को फाड़ ना दे, तोड़ ना दे, और जो प्रेशर है साउंड का वो यूस्टेचियन ट्यूब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और गले में आके लगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ पे तेज आवाज हो वहां पे मुंह खोल के बैठे। फायदा क्या होगा? पर्दे जो हैं बच जाएंगे आपके नॉइज पॉल्यूशन से, प्रेशर कम हो जाता है ना मुंह खोलने से। यूस्टेचियन ट्यूब होता है, दोनों होती हैं, डिपेंड अपॉन द एज एंड एनवायरमेंट। छोटा जब फ्रॉग होता है तो गिल्स बनती हैं, बड़ा जब बनता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू गिल्स हैज गॉन और लंग्स आ जाते हैं। चलो कौन सा आखिरी एविडेंस बचा? एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चौथा एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर साइटोक्रोम। सुना है क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन है साइटोक्रोम सी है ना, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है रेस्पिरेशन का जो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, प्लांट तक, फंजाई तक, कोई भी इसके अंदर जरा सा भी डिफरेंट नहीं है किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट के अंदर। ईयर को देखें, ईयर अलग अलग है, किसी भी चीज को देखें इसमें डाइवर्सिटी है, कोई भी चीज देखें, प्रोटीन देख लें प्लांट की और एनिमल्स की अलग है, कार्बोहाइड्रेट अलग है। ये जो मॉलिक्यूल है ना, कहीं पे भी इसका कोई और दूसरा फॉर्म मिला ही नहीं है ही नहीं। ये साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई अगर आप नहीं मानते एवोल्यूशन को, साइटोक्रोम सी को देखें जो पहले ऑर्गेनिज्म से आखिरी तक सबके अंदर है, एक जैसा है, एक जैसा क्यों है? या तो इसका आंसर दें, क्रिएशनिस्ट इसका आंसर दें, ऐसा क्यों है? ये एवोल्यूशनिस्ट हैं हमसे पूछ रहे हैं, हे क्रिएशनिस्ट सही नहीं है कॉन्सेप्ट, एवोल्यूशन इज देयर, एवोल्यूशन हुई है, हो रही है, होती रहेगी, और ये बता रहे हैं ये सिमिलरिटी है सबके अंदर। इट मीन्स कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनिजम्स का आपस में लेना देना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, करीबी रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा एक और भी चीज है, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। आपके बुक में नहीं है, पुराने टेक्स्ट में था भाई। ग्लाइकोलिसिस केमिकल रिएक्शन नहीं है क्या? कंडेंसेशन केमिकल रिएक्शन नहीं है क्या? हाइड्रोलाइसिस, अच्छा कंडेंसेशन में पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन, हाँ
पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन, डीएनए की फॉर्मेशन, आरएनए की फॉर्मेशन, डीएनए की फॉर्मेशन रिप्लिकेशन, आरएनए की फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन, तो सिमिलर वे में हो रहे हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। वही पानी सबके अंदर रिएक्शन करवा रहा है, मैं किसी के अंदर रिएक्शन करवाने वाला कोई और चीज, कोई और केमिकल, कोई और सॉल्वेंट, तो एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं केमिकल्स जो हैं थोड़े अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग किए हैं, इवॉल्व केमिकल में भी चेंज आई है, बेसिकली रिएक्शन तो सेम है, सेम टाइप के रिएक्शन क्यों, कोई भी फर्क नहीं कंडेंसेशन में क्यों, हाइड्रोलिसिस में क्यों, तो अभी तक तो क्यों का जवाब है ना, क्रिएशनिस्ट हैं, बताए ना कौन सा जवाब है कि भाई अभी मैं एवोल्यूशनिस्ट नहीं हूं, है ना, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, पढ़ने थे इसलिए मैंने पढ़ाए, एक चीज से बनी है, बने हैं ना हम, रॉ मटेरियल हमारा एक है, एक नहीं है, हर मजहब दुनिया का जितने भी मजहब हैं कहते हैं रॉ मटेरियल एक ही से बने हुए हैं, मट्टी से बने हुए हैं, इससे बने हुए हैं, इससे बने हुए हैं, तो रॉ मटेरियल जब एक है तो सिमिलरिटी तो होगी ना, नहीं होगी, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक। बहरहाल क्रिएशनिस्ट को ज्यादा इंफॉर्मेशन है एवोल्यूशनिस्ट से, मगर एवोल्यूशनिस्ट ने जो चीज देखी है उनके चंद एविडेंस दे दिए हैं, वैसे करके दिखाया है। मैं तो मानता हूं जब ये ज्यादा होशियार बन जाएंगे ना एवोल्यूशनिस्ट, तब मानेंगे यार हमने जो पढ़ा ये तो क्रिएशन का कमाल है, ये तो रिदमिक वे बनाया गया है, एट द एंड यही होगा, या तो समझ ही नहीं आएगी आखिरी दुनिया के डे तक। चलो भाई स्पेसिएशन आउट ऑफ सिलेबस है, मैं नहीं पढ़ा रहा, जिसको एवोल्यूशन के और टॉपिक्स पढ़ने हैं लेक्चर मेरे पढ़े हैं, घर जाके चिप करके लेक्चर सुने, अभी हम टू द पॉइंट सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। स्पेसिएशन मतलब नई स्पेशी का बनना, एमसीक्यू रिवॉल्यूशन के भेजूं, बड़े ताकत वाले एमसीक्यू पड़े हैं, विदाउट की हैं, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। चलो मंडे से जेनेटिक्स भैया ना पढ़ी अच्छी, जो सिलेबस में ना बस थोड़ा पढ़ी बैठाऊं, टाइम बचाऊं, फिजिक्स आ रहे हैं थोड़ा अभी बैठाऊं तो खंड डाट आप करे बढ़ जाओ, भाई जो सिलेबस रह जाए तो मसलो दे दो तो।